हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पर एक और स्मार्ट वॉच से टेस्ट करेंगे, और ये यहाँ पर है मो लाइफ की तरफ से, और इसका नाम है मो लाइफ सेंस 320। मो लाइफ की ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर कुछ स्मार्ट वॉचेज उनका रिव्यू किया हुआ है, और जिनको नहीं पता है तो मो लाइफ एक इंडियन ब्रांड है। तो जैसे इसके बॉक्स पर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है मेड इन इंडिया, तो जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे ऑब्वियसली मेड इन इंडिया है, तो अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर मो लाइफ की न्यू स्मार्ट वॉच सेंस 320 इसका हम रिव्यू करेंगे, इसके अनबॉक्सिंग करूंगा, इसके फीचर्स टेस्ट करेंगे। और इसके अलावा वीडियो चालू करने से पहले आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 5000 लाइक, क्योंकि मैं यहाँ पर इन दोनों स्मार्ट वॉचेज का गिव अवे कर रहा हूँ। तो कैसे जीत सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो अब जल्दी से ये जो वॉचेस हैं इन्हें अनबॉक्स कर लेते हैं, और बॉक्स आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक रेड कलर में है और एक ब्लैक कलर में। बेसिकली यहाँ पर एक लिमिटेड एडिशन है, और आपको यहाँ पर एक रेड कलर का स्ट्रैप देखने को मिलता है। उसके अलावा दोनों ये जो वॉचेज हैं एक्जैक्टली सिमिलर हैं, लेकिन बॉक्स में जैसा आप देखते हो यहाँ पर ये जो वॉचेज हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। सेंस 320 फिटनेस स्मार्ट वॉच विद डेडिकेटेड सेंसर है, और उसके अलावा यहाँ पर बॉक्स के साइड में जैसा आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा बड़ा मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है। और दूसरी तरफ इसके कुछ फीचर्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सेंसर फॉर एक्यूरेट रीडिंग, ये आपको फीचर दिया गया है। 16 स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिलेंगे, जिंक अलॉय मेटल बॉडी है तो अच्छी बात है। 3.4 सेंटीमीटर यानी 1.7 इंचेस का यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है। 7 डेज की बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। SPO2, हार्ट रेट सेंसर और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये आपको इस वॉच में देखने को मिलते हैं। तो अब जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं, और बॉक्स का ऊपर का कवर हटाने के बाद नीचे एक और यहाँ पर बॉक्स है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो आपकी जो वॉचेज हैं कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है। इसको मैं इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, और देख सकते हो ये जो वॉच है लिमिटेड एडिशन रेड कलर के स्ट्रैप के साथ कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसको क्लोजली हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा जो बॉक्स के कॉन्टेंट है उसे चेकआउट कर लेते हैं। तो बॉक्स में वॉच के अलावा आपको यहाँ पर एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, और ये मैग्नेटिक चार्जिंग पोगो कनेक्टर वाली चार्जिंग केबल है। तो ये तो सिर्फ बॉक्स के कंटेंट, और अब आ जाते हैं हमारी वॉच की तरफ। और वॉच है जैसा आप देख सकते हो वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है। दिखने में जो वॉच है वो काफी अच्छी खासी है। और सबसे पहले यहाँ पर इस वॉच की ओवरव्यू की बात करें, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको 1.7 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले रहेगा और कर्व ग्लास है ऊपर की तरफ। और उसके अलावा यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पर मेटल की बिल्ड क्वालिटी है, जिंक अलॉय, तो काफ़ी अच्छी खासी लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर एक बटन भी आपको दिया गया है, तो फंक्शन बटन है। उसके अलावा पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो इस वॉच के आपको सेंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो SPO2 सेंसर, यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर और इवन यहाँ पर BP का सेंसर है, और इसमें आपको डेडिकेटेड सेंसर देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर इसका जो चार्जिंग पोर्ट है, और उसके अलावा इस वॉच के जो स्ट्रैप्स है जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रैप्स की क्वालिटी बोलूँगा यहाँ पर ठीक ठाक है, और ये जो रिप्लेसेबल स्ट्रैप है तो आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। तो ओवरऑल वॉचेस का जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी खासी है, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ये रेड वाला जो स्पेशल एडिशन है और ब्लैक वाला यहाँ पर नॉर्मल एडिशन है, लेकिन जो स्ट्रैप के कलर के अलावा इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा जो कलर है या फिर मैं बोलूँगा कौन सा एडिशन है वो आपको अच्छा लग रहा है, ये मुझे कमेंट करके बताओ। तो अब जल्दी से ये जो वॉच है इसे ऑन कर लेते हैं, और ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो पावर वाला बटन है इसे प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मो लाइफ का लोगो आ गया है, और यहाँ पर ये जो वॉच है यहाँ पर ऑन हो गई है। लेकिन इस वॉच को यूज करने से पहले अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ग्लोरीफाई फिट, और ये जो ऐप है आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में मिल जाएंगी। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो अपनी वॉच है इसको आपको पेयर कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो वॉच का नाम आ गया है, तो इस पर टैप कर दीजिए, और उसके बाद ये जो वॉच है आपके फोन के साथ पेयर हो जाएगी। तो ऐप की जो फंक्शनलिटीज है उसे थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे, लेकिन अब आते हैं यहाँ पर अपनी वॉच की तरफ। तो वॉच है जैसा आप देख सकते हो ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप जितने भी फंक्शन वगैरह रहेंगे वो टच के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, और एक चीज मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा खासा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वॉच फेस है डिफॉल्ट वॉच फेस है जैसा आप देख सकते हो, इसको चेंज करना होगा तो आपको इसकी स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, और यहाँ पर आप अलग अलग वॉच फेसेस हैं, कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस आपको दिए गए हैं, तो आई थिंक ये 4-5 डिफॉल्ट वॉच फेसेस हैं। इसके अलावा कोई और वॉच फेसेस भी आपको सेलेक्ट करना होगा तो आप इसके ऐप के थ्रू भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसका जो डिफॉल्ट वाला है उसे ही सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके वॉच फेसेस में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पर क्विक टॉगल बटन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बैटरी और कनेक्शन स्टेटस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, डे डेट ऊपर आपको दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद आप ब्राइटनेस वगैरह सेट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, तो अभी 50% पे था और 100% पे यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो मैं 50% पे रख सकता हूँ। बैक जाने के लिए आपको स्वाइप करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो फाइंड माई फोन का ऑप्शन है तो आपका फोन है वो रिंग करना शुरू हो जाएगा जैसा आप सुन सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो सेटिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, डायल ऑप्शन है, रीसेट ऑफ इन्फो वगैरह आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, और QR कोड है तो स्कैन कर पाओगे। उसके अलावा नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्वाइप करते हो तो यहाँ पर आपके जो मैसेज नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे देख सकते हो ट्विटर की नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन, यूट्यूब नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो आपके शॉर्टकट कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर आपको जो एक्टिविटी वाले ऑप्शन है जैसे स्टेप काउंट्स, किलोमीटर और यहाँ पर कैलोरी बर्न कितनी आपने करी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। और स्वाइप करोगे तो आपके यहाँ पर जो
कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है उसकी जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पाओगे। तो ऑब्वियसली इसके लिए हमको इसको पहनना होगा, तो हम इसको आगे टेस्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो बीपी का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अभी टेस्ट नहीं करेगा, हमें इसे पहनना पड़ेगा। SPO2 का भी फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ कुछ डेडिकेटेड जो सेंसर दिए गए हैं, तो इसकी वजह से ये आपका SPO2 भी चेक करता है, तो अच्छी बात है। उसके अलावा और स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके स्लीप मॉनिटरिंग के ऑप्शन है, तो कितनी स्लीप थी आपकी लास्ट नाइट, तो आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर वेदर का ऑप्शन है, तो करंट डे का जो वेदर है आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और स्वाइप करोगे तो आपके मीडिया कंट्रोल के ऑप्शन है, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो, यहाँ पर प्ले पॉज कर सकते हो। तो ये कुछ आपको यहाँ पर शॉर्टकट कार्ड देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो होम पेज से, तो आपके यहाँ पर इस वॉच के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जितने भी फीचर्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो ट्रेनिंग का फीचर है, तो इसमें आपको 16 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर आउटडोर, साइकिलिंग, स्किपिंग, बेसबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, अल्पाइनिज्म, वॉकिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, डांसिंग, योगा, सिटअप्स, इंडोर रनिंग, तो ये सारे यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। किसी पे भी आप टैप करते हो तो ये स्पोर्ट्स मोड ऑब्वियसली यहाँ पर आपका चालू हो जाएगा। तो आपकी जो हार्ट रेट सेंसर है, यहाँ पर कैलरी बर्न करिए, वो आप यहाँ पर इसको ट्रैक कर पाओगे। तो मैं इसे वापस से स्टॉप कर देता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्टेटस का, तो यहाँ पर एक्टिविटीज स्टैट्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट, बीपी, ब्लड ऑक्सीजन और स्लीपिंग है, वो यहाँ से भी आप ट्रैक कर पाओगे। वेदर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, म्यूजिक, मैसेज और मोर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच, टाइमर, फ्लैश लाइट, फाइंड माई जो फोन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा लास्ट ऑप्शन यहाँ पर सेटिंग है, जो ऑलरेडी हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं। तो ये इस वॉच के फीचर्स हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई इस वॉच के जो फंक्शंस और फीचर्स के बारे में, जो कि बोलूँगी काफ़ी अच्छे खासे और काफ़ी फीचर रिच वॉच है। लेकिन अब इसको मैं पहन लेता हूँ, इसके जो हार्ट रेट सेंसर है, SPO2 फीचर्स हैं, उसे टेस्ट कर लेते हैं। और पहनने के बाद ये जो वॉच है, जैसा आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है। और बोलूँगा कि दिखने में काफ़ी अच्छी खासी वॉच है। और इसकी कंफर्ट लेवल की बात करूँ, तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर जो सिलिकन स्ट्रैप देखने को मिलता है, तो कंफर्टेबल स्मार्ट वॉच है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब एक बार इसका जो हार्ट रेट सेंसर है SPO2 का फीचर, उसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर स्वाइप करना है और यहाँ पर ये जो इस पर टैप कर देना है। और यहाँ पर आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया गया, तो देख सकते हो यहाँ पर जो बीट पर मिनट है, यहाँ पर 83 बीट्स पर मिनट दिखा रहा है, 84 हो गया, और मैं बोलूँगा यहाँ पर काफ़ी सही है। उसके अलावा और स्वाइप करूँगा तो आपको यहाँ पर बीपी का भी ऑप्शन दिया गया। मोस्टली जो स्मार्ट वॉचेज में बीपी का जो ऑप्शन रहता है, मैं उसको इतना एक्यूरेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉचेज हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप इसको सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर ये जो मेरा बीपी है उसे टेस्ट कर रहा है, और जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इसने जो मेरा बीपी है उसे मेजर कर लिया है 120/77। और उसके बाद आपको यहाँ पर डेडिकेटेड SPO2 का भी सेंसर दिया गया, तो यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है। और जैसे मैंने बताया, ये यहाँ पर कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ आइडिया लेने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसने मेरा बता दिया है ब्लड में जो ऑक्सीजन है 98%। और जैसे मैंने बताया, इस वॉच में आपको यहाँ पर डेडिकेटेड सेंसर्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जब तक आप इस वॉच को पहनोगे नहीं, तब तक यहाँ पर ये जो रीडिंग्स वगैरह नहीं आती है। तो जैसे मैं यहाँ पर SPO2 वाला फीचर है, इसको मैंने ऑन कर दिया और टेबल पर रख दिया, तो यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर रीडिंग्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करूँ, तो कॉल आने पर कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कॉलर का नाम आता है, और यहाँ पर आपके पास काटने का ऑप्शन है कॉल, यहाँ पर आप रिसीव नहीं कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैसेज नोटिफिकेशन की बात करूँ, तो वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर इसको जो मैसेज है पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है। तो ये तो बात हुई इस वॉच के फीचर्स के बारे में, लेकिन अब आते हैं इसकी ऐप की तरफ, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इसकी ऐप के थ्रू भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप ऐप ओपन करते हो, तो आपके जो एक्टिविटी वाले ऑप्शन है आप यहाँ पर देख पाओगे, तो कितना आपने स्टेप काउंट्स किए, कैलरी बर्न करी, वो आप यहाँ पर देख पाओगे। हार्ट रेट रिकॉर्ड, स्लीप रिकॉर्ड, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड, ब्लड ऑक्सीजन रिकॉर्ड, तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और किसी भी आप टैप करोगे तो और डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास नीचे एक स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, तो स्पोर्ट्स मोड अगर आप ऑन करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। तो मैं इसे गो पे बटन पर टैप कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमारा जो एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, और देख सकते हो हमारे जो वॉच में भी वो इनेबल हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डिवाइस का, तो डिवाइस में यहाँ पर आपके जो वॉच के जितने भी फीचर्स, फंक्शंस वगैरह, वो यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो वॉच का नाम है, डायल सेटिंग है, तो डायल सेटिंग में ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, आपको कुछ वॉच फेसेस आपके वॉच में भी दिए गए, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ वॉच फेसेस आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफी अच्छी खासी बड़ी लाइब्रेरी है जो वॉच फेसेस की, तो आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई अपना कस्टम डायल या फिर फोटो वगैरह लगानी हो, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, इमेज चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। उसके अलावा कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन सेटिंग्स, वो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, किस टाइम ये जो मॉनिटर वगैरह करे वो आप यहाँ पर सेट कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर कॉल रिमाइंडर, SMS रिमाइंडर इनेबल आप यहाँ से कर सकते हो। ऐप रिमाइंडर में जाओगे तो आप कौन सी ऐप से नोटिफिकेशन चाहते हो, तो यहाँ से आप इनेबल कर पाओगे। उसके बाद सेडेंटरी रिमाइंडर है, यानी कि अगर आप एक जगह में बहुत देर तक बैठे रहते हो, तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी, वो इनेबल डिसेबल कर पाओगे। स्मार्ट अलार्म क्लॉक का ऑप्शन है, रेज हैंड टू एक्टिवेट डिस्प्ले का ऑप्शन है, तो जब भी अपनी वॉच है से आप ऊपर की तरफ करोगे, तो इसका जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाता है। उसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है, वो है यूनिवर्सल सेटिंग का, तो इसमें भी आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो शेक टू टेक पिक्चर, फाइंड ब्रेसलेट यूनिट यहाँ से सेट कर सकते हो। और उसके अलावा ऑन स्क्रीन टाइम और टाइम सिस्टम, जो सिस्टम का टाइम रहता है, तो 24 आवर
12 आवर, तो आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर डिवाइस लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप हिंदी भी सेट कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर मी का, तो यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोफाइल है, तो यहाँ पर आप गोल वगैरह सेट कर सकते हो। तो ये तो इस ऐप के फीचर्स और फंक्शन वगैरह मैं बोलूँगा काफी अच्छे खास है। तो दोस्तों ओवरऑल ये तो है मू लाइफ सेंस 320, और मुझे इसकी जो लुक है और इवन जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया लगी है, और यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो भी मेरे को लगता है काफी अच्छे खास है। और जैसे मैं बताया था कि ये जो वॉच है आपको दो एडिशन में देखने को मिलती है, रेड स्ट्रैप में ये जो लिमिटेड एडिशन है ये आपको मिलेगी 2999 में, और यहाँ पर ये जो नॉर्मल एडिशन है ये आपको मिलेगी 2799 में। और ये जो प्राइस है ये थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद ये शायद बढ़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल ये जो वॉच है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर काफी बढ़िया लगी है। तो अगर आपको उसको खरीदना होगा, मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि इन वॉचेस का मैं यहाँ पर इस वीडियो में गिव अवे भी कर रहा हूँ, तो इनको जीतने के लिए यहाँ पर सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आज की जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो है 5000 लाइक, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। और उसके अलावा मैंने इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आपको आंसर करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जैसे ही 5000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा होगा तो मैं यहाँ पर दो विनर चूज करूंगा और ये दोनों वॉचेस हैं मैं उनको गिव अवे में दे दूंगा। तो जल्दी से इस स्टेप्स हमसे फॉलो कर लो। तो आपको कैसी लगी ये मू लाइफ सेंस 320 मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा।